18 अगस्त 2021 की बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कुमार ग्रुप हीरो चैनल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को बदलाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, आपका यूनिवर्सिटी का ऑटोमेटिक अपडेट प्राप्त होते रहेगी टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है बिहार यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं वोकेशनल कोर्स में 2 तक नामांकन और 13 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से खबर है और बिहार यूनिवर्सिटी से जो खबर आ रही है 20 अगस्त तक बढ़ी पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन का तिथि। यहाँ पे डेट मेंशन किया गया, सारा का डिटेल्स मेंशन किया गया। पार्ट वन सत्र 2019 से 22 और 20 से 23 हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी और सत्र 19 से 21 के लिए एलएलबी। इसी तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया, साथ साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आपको फाइन लगेगा दोस्तों 1200 रुपया के साथ में, फाइन के साथ में आप इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं ललित मिथिला यूनिवर्सिटी से जो खबर आ रही है और यहाँ बताया गया अब डिग्री पार्ट वन की परीक्षाएं 27 व पार्ट थर्ड की परीक्षाएं 28 से होगी। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल से दिया गया, मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी मेंशन किया गया। तो इन सभी डेटों को आप रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है बिहार यूनिवर्सिटी से जो कि 23 को जारी हो सकती है पहला मेरिट लिस्ट और आर्ट्स में इतिहास भूगोल मनोवैज्ञानिक में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। उसी तरीके से साइंस में जूलॉजी बना है छात्रों का सबसे मनपसंद विषय और यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया, तो इसे आप रीड कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी पेपर कटिंग को अपलोड कर दिया गया, इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको अपडेट ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहेगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो खबर निकल के आई है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से आई है और पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं को संचालन पर संशय बतलाई जा रही है। तो यहाँ पे जो खबर आ रही है आप इसे रीड कीजिएगा, साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं पीजी सेमेस्टर 4 की 21 अगस्त से होने वाली परीक्षा पर संशय लगा हुआ है। हमारे साथ बने रहेगा, आपको अपडेट ऑटोमेटिक प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से नेक मूल्यांकन को लेकर के टीएनबी कॉलेज में कार्यशाला 27 से 68 होगी और यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन भी किया गया 27 और 28 को कॉलेज स्तर पर नेक मूल्यांकन पर आधारित कार्यशाला का आयोजित किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एएमयू मुख्यालय यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी में 5 प्रखंडों में भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर डिटेल्स दिया गया, इसे आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो खबर आ रही है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से और ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित करने के लिए मांग उठाई जा रही है। इसके लिए छात्र जदयू पूर्णिया के जिला प्रवक्ता से पूर्णिया कॉलेज अध्यक्ष अंकित झा ने इसके नेतृत्व में सारा डिटेल्स बतलाई, तो आप इसे देख सकते हैं। आवेदन यूजी पार्ट वन सत्र 2021 से 22 के लिए आवेदन की तिथि घोषित करने के लिए मांग उठाई जा रही है, तो अच्छी खबर है, इन सभी डिटेल्स को रीड कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। साथ साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं स्नातक पार्ट वन में छात्र जदयू कॉलेज अध्यक्ष ने प्रभारी को सौंपा गया है और देख सकते हैं ज्ञापन सौंप दिया गया और आवेदन के लिए स्टूडेंट आक्रोश हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, आप साफ तौर पर यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है आप भागलपुर TMBU से खबर आ रही है पीजी ग्रामीण अर्थशास्त्र 16वां पेपर जो होगी वो 27 को होगी और यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया, इसे रीड कीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं मुंगेर विश्वविद्यालय से डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह मुंगेर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बने हैं, अच्छी खबर है। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं पीजी के लिए छात्रों का अंक पत्र बांटने के लिए देगा निर्देश और यहाँ पे पूर्णिया विश्वविद्यालय से जो खबर निकल कर रही है शैक्षणिक सत्र 2018 से 20 में नामांकित 182 स्टूडेंटों का परीक्षा पर जारी करने के लिए अनुमति बिहार सरकार द्वारा मिल गया, तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी खबर। इन सभी खबरों से पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, आपको अपडेट ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहेगी। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं रिजल्ट जारी जल्दी किया जाएगा, पुणे यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है। आप साफ तौर पर सत्र भी बताया गया 18 से 20 का नामांकित 182 छात्रों का परीक्षा फल जल्दी जारी किया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट वन में नामांकन की प्रक्रिया जल्दी शुरू किया जाएगा जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है। साथ ही साथ अगला इन्फॉर्मेशन पुणे यूनिवर्सिटी से ही और वेबसाइट की समस्या दूर करेगा विश्वविद्यालय, क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ आ रही है उसके लिए स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। सत्र 20 से 21 के लिए पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग समस्याएं आ रही थी, तो जल्द इसकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं MBA या BTEC विशेष प्रवेश परीक्षा होगा आयोजन। यहाँ पे जो खबर निकल कर यह डेट मेंशन किया गया 28 से 31 अगस्त के बीच में विश्वविद्यालय कैंपस स्थित सोशल साइंस ब्लॉक में होगी और वहीं
बीटेक के लिए फोर्थ सेमेस्टर विशेष परीक्षा 26 अगस्त से 2 सितंबर तक स्पेशल साइंस ब्लॉक में ली जाएगी। यहाँ पे डेट भी मेंशन किया, टाइम भी मेंशन किया, 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी परीक्षाएं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नालंदा खुला विश्वविद्यालय से खबर आ रही है। इंटरमीडिएट स्तर व स्नातक व पीजी में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2021 में नामांकन हो रहा है। उसके लिए आवेदन 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। वेबसाइट भी यहां पे मेंशन किया गया है दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाकर के विजिट करके आप सारा डिटेल्स ले सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला इन्फॉर्मेशन आते हैं यहाँ पे, जैसा कि खबर देख पा रहे हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रथम सत्र के पीजी उत्तीर्ण छात्रों को समारोह पूर्वक प्रोविजनल व अंक पत्र की योजना बनाई जा रही है। तो अच्छी खबर है, इन सभी डिटेल्स को रीड कीजिएगा। साफ साफ यहाँ पे मैं बतलाऊँ तो आप देख पा रहे हैं अंक पत्र और प्रोविजनल बनकर तैयार हो गया और VC के लौटने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही लौटते हैं वैसे ही आप सभी को बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो खबर निकल कर रही है मुंगेर यूनिवर्सिटी से, और ये देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग के सचिव ने 2018 से 20 के बाद पीजी में नामांकन के लिए मांगी है रिपोर्ट और राहत बतलाई जा रही है। 182 छात्रों का परीक्षा फल जल्द ही जारी करने के लिए अनुमति दी जा रही है। साफ तौर पर 18 से 20 में नामांकन 182 छात्रों का परीक्षा फल, इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग से अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पे खबर निकल कर ये बहुत अच्छी है, और 2018 से 20 में नामांकन पर जल्द ही रिपोर्ट भेजा जाएगा, रजिस्ट्रार ने बोले। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं पीजी में नामांकन को लेकर के तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब की जा रही है, 3 साल से अटका हुआ छात्रों का रिजल्ट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, छात्र छात्राओं का नामांकन को लेकर के दूसरे सत्र 2019-21 के लिए, तीसरे सत्र 2020-22 के लिए सभी विषयों में 6 छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स निकल कर रही है, इन सभी डिटेल्स को रीड कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ बने रहिए, कुमार ग्रुप को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, पीजी की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है। पीजी की रिगार्डिंग खबर है, आप देख पाएंगे आंतरिक परीक्षा 24 अगस्त तक चलेगी, पुणे विश्वविद्यालय से खबर आ रही है। और यहाँ पे जो भी डेट मेंशन किया, जो भी डिटेल्स दी गई, इसे रीड कीजिएगा। यहाँ पे साफ तौर पर सेमेस्टर सत्र 2020-22 के लिए, सेमेस्टर 3 की सत्र 2019-21 के लिए ऑनलाइन परीक्षा शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, और ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, जो कि 16 अगस्त से होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं 24 अगस्त को अंतिम दिन परीक्षा होगी, यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, आपको अपडेट प्राप्त होते रहेगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, स्नातक में एडमिशन के रिगार्डिंग आवेदन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है। 1.39 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल किए हैं। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय के 1000 छात्रों का नामांकन और जांच में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स निकल कर ये बहुत ही अच्छी खबर है, आप देख सकते हैं पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग मेगा सूची की जांच नहीं हो सकी है शुरू, इसके बाद होना है नामांकन। VC ने जांच को बनाई गई है कमेटी, अधिकारी अब तक कर रहे हैं मंथन। नामांकन लेने वाले स्टूडेंटों के लिए कक्षाएँ शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स निकल के आ रही है, आप इन सभी खबरों को पाने के लिए टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वोकेशनल कोर्स में दाखिला आज से अधिसूचना जारी कर दिया गया, जो कि एक खबर है बिहार यूनिवर्सिटी से। और पंजीयन प्रपत्र में सुधार करने के लेकर के फॉर्म भरी जा रही है। मैट्रिक व इंटर स्टूडेंटों के लिए 2022 के परीक्षार्थी के मूल पंजीयन पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है, यानी गलत हो गया, एडिट करना है या करेक्शन करना है, तो फॉर्म को फिल कीजिएगा। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, शांतिपूर्वक हुई ऑनलाइन पीजी की CIA की परीक्षा, यहाँ पे सत्र भी मेंशन किया गया, टाइमिंग भी मेंशन किया गया, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा फॉर्म 18 से भराया जाएगा, और यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दी गई है। वाणिज्य सत्र 20-22 के लिए KBJHA कॉलेज है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई है तो इसे रीड कीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है, और एक साथ परीक्षा कराने पर छात्रों ने जताया ऐतराज, यहाँ पे जो खबर आ रही है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, यानी LNMU से खबर आ रही है। तो दोस्तों प्रमोद छात्र भी थर्ड ईयर सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए, और यहाँ पे जो खबर है इसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, BEd प्रथम सत्र के छात्र हैं परेशान, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी खबर को पा लीजिएगा। टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया गया पेपर कटिंग को। JP यूनिवर्सिटी से जो खबर निकल के आ रही है, स्नातक में नामांकन के लिए 36,000 सीटें पर आए 59,000 आवेदन। तो समझ सकते हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है।
तो इन सभी डिटेल्स को रीड कर लीजिएगा। 36,000 सीट पर 59,153 आवेदन आए हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, जो कि वाणिज्य विभाग में अंतर्राष्ट्रीय संत गोष्ठी 24 से होगी। यहाँ पे पीजी समाजशास्त्र विभाग में सेमिनार आज से स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पे डेट के साथ साथ टाइमिंग भी मेंशन किया गया। देख सकते हैं 18 अगस्त को किया जा रहा है आयोजन, और इसके लिए सभागार 11:30 बजे से प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, आपको अपडेट ऑटोमेटिक प्राप्त होती रहती है टेलीग्राम के माध्यम से या फिर बड़ी खबर के माध्यम से। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भीके खबर आ रही है, विद्यार्थियों के पंजीयन के लिए राशि लौटाएगा इलाहाबाद बैंक। तो यहाँ पे जो खबर है बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, जो खबर निकल कर आ रही है नोडल ऑफिसर को करें प्रशिक्षित, तो कुलपति ने इसके बारे में सूचना दी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज से प्रशासनिक कार्ड, जो कि TMBU से खबर आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं BNMU से नहीं, BN मंडल यूनिवर्सिटी से PG में नामांकन को लेकर के इंतजार कर रहे हैं छात्र। तो हमारे साथ बने रहेगा, आपको हर एक पल पल की अपडेट प्राप्त होती रहेगी। सीट कम रहने के कारण नामांकन से वंचित रह गए हैं काफ़ी संख्या में छात्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है आप देख पा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आ रही है, जो कि PPU में पहली मेगा सूची 24 अगस्त को जारी होगी। हमारे साथ बने रहिए, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पार्ट थर्ड में नामांकन को लेकर के पिछले साल से अधिक आवेदन आए हैं LNMU से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। 22 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ में नामांकन लिया जाएगा, और नामांकन के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा, और 30 अगस्त से पहली और अंतिम देख सकते हैं मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं 2 सितंबर तक ले सकते हैं वोकेशनल कोर्स में नामांकन, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है। 23 को पार्ट वन की पहली मेगा सूची जारी किया जाएगा। 1,39,000 छात्र आवेदन किए थे, BC के आदेश पर पहला मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन TMBU से खबर निकल कर लिए, TNB कॉलेज में आज लगेगा टीकाकरण कैंप, जो कि जो भी लोग नहीं लिए हैं टीकाकरण नहीं करवाएं वो जल्द से जल्द करवा लें। तो दोस्तों तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सारा डिटेल्स इसे एडिट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं BKUC से यानी बीरकुमासी यूनिवर्सिटी से, और आप देख पा रहे हैं UG एडमिशन BKUC में पहली मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं सत्यापन के बाद एडमिशन माना जाएगा मान्य। तो दोस्तों जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक एडमिशन को पूरी तरीके से नहीं माना जाएगा। ये जो 2021-24 वाले सत्र ने पार्टन के लिए स्टूडेंट के लिए खबर थी। 25 अगस्त तक पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, और 30 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पे अगला इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, स्नातक में पहली मेगा सूची जारी, आज से होगा नामांकन, 90,000 सीटों पर होगा नामांकन। PG में सेमेस्टर 4 समेत अन्य परीक्षाओं पर असमंजस की घड़ी बनी हुई है, जो कि TMBU से तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से खबर है। 16वें पेपर को लेकर के जो कि हमने शुरुआत में भी बताया था। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो खबर है, CUSEB में नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और यहाँ पर सत्र भी 21-22 बतलाया गया है। तो इन सभी डिटेल्स को आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों देख पा रहे हैं 1 अक्टूबर से DU जारी करेगा पहला कट ऑफ यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं इंटर में नामांकन आज से स्टार्ट हो जाएगी, मेगा सूची आज से जारी होगा मेरिट लिस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा, चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। स्पेशल चाहते हैं वीडियो तो मैं बना के दे दूँगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं बेस्ट ऐप से होगी स्कूल की निगरानी, जो अच्छी खबर है। पटना वुमेंस कॉलेज से खबर आ रही है, वुमेंस कॉलेज में देख सकते हैं जो खबर, BA BCOM इन सभी वोकेशनल कोर्स के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, कर दी। यहाँ पे 21 और 22 अगस्त को कॉलेज में होगा, छात्राओं के लिए सारी जानकारियाँ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स निकल कर आई आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम से जा करके ज्वाइन हो जाए, उससे डाउनलोड करने में आसानी होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं BSc का नामांकन 23 को होगा, जो कि ये जो खबर है वुमेंस कॉलेज से आ रही है, नामांकन 23 से होने वाली है, और यहाँ पे सेमेस्टर फीस को रिगार्डिंग भी बतलाई गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं लेख वाणिज्य
परिषद की पत्रिका में प्रकाशित यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय से खबर आ दिया, तो इन सभी डिटेल्स को रीड कीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे, पूर्णिया विश्वविद्यालय को मिली पीजी की मान्यता, झूम रही है छात्र छात्राएं, तो खबर बहुत ही अच्छी है, पीजी में मान्यता मिल गया तो अच्छी खबर है, खुशी जतलाई जा रही है। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, नामांकन को लेकर के आए 59,000 आवेदन, आज अंतिम तिथि है 21-24 में पार्ट वन में एडमिशन को लेकर के, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है, इन सभी डिटेल्स को रीड कीजिएगा। जेपी में जेपी यूनिवर्सिटी में पार्ट वन में संकाय के कितने सीटें हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट वन 2021-24 के लिए नामांकन शेड्यूल भी जारी किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, सत्र नियमित करने से जल्दी होगी जेपी यूनिवर्सिटी की लंबित परीक्षाएं, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिया गया, ऐसी मीटिंग भी रणनीति भी बनाई जा रही है। दस्तावेज अपलोड करने को लेकर के दोबारा खुलेगा पोर्टल, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी स्टूडेंटों के लिए, इसे रीड कीजिएगा। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से जो खबर आ रही है, पदाधिकारियों व कर्मियों का आईडी कार्ड जरूरी है, 18 अगस्त 2021 से विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र को विश्वविद्यालय के पदाधिकारी व कर्मचारियों को प्रत्येक दिन पहनकर विश्वविद्यालय में आना है। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इंटर की परीक्षाएं का फॉर्म 24 तक भरा जाएगा, पटना वुमेंस कॉलेज से खबर आ रही है, देख सकते हैं रक्तदान शिविर आयोजित की गई है। तो दोस्तों आज की जो भी बड़ी खबर थी हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो सभी मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर के साथ में नेक्स्ट डे, थैंक यू।